सवाल है, किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज हुआ और आपने हामी भरी इसे करने के लिए? दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे, किरण के असिस्टेंट भी थे रहे हैं वो, तारे ज़मीं पर भी उसमें भी काम किया था प्रोडक्शन असिस्टेंट, और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया। पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कई कई वक्त से, काफ़ी वक्त से। तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी, और हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं। उसके बाद जायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें। ज़ायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको ज़ायरा मिली दंगल के लिए, और चूंकि मैंने देखा ज़ायरा का काम मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया, ही टेस्टेड हर, ही लव्ड हर, और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया सर, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर हर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो, नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे। बट खैर ऑफकोर्स ज़ायरा वॉज देयर इन दंगल एंड शी डन अ वंडरफुल जॉब इन दंगल एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट शी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीक्रेट सुपर। उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई क्योंकि ही हैड टू वेट फॉर हर, तो करीब 8 महीने, आई थिंक अबाउट 8-9 मंथ्स वी वेटेड। ज़ायरा हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव, ज़रा वो शेयर करें आप। बहुत ही अच्छा, बहुत मुझे बहुत 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 मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में, और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज़ अ फादर फिगर फॉर मी। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी। दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा सी एज शक्ति कुमार, आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड, और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉट्स पे रिएक्शंस देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत बहुत मज़ा आया।